बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम क्लास एट्स इन द पीरियड ऑफ इंग्लिश। टुडे वी विल स्टार्ट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड वी विल डू एक्सरसाइज नंबर वन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। एंड फर्स्ट एक्सरसाइज कंटेन्स अफर्मेटिव सेंटेंसेस, आर डेक्लरेटिव आर पॉजिटिव सेंटेंसेस। ऐसे सेंटेंसेस को हम अफर्मेटिव, डेक्लरेटिव, असर्टिव या पॉजिटिव कहते हैं, जो मुस्बत जुमले होते हैं जिनमें हमें कोई इंफॉर्मेशन दी जाती है, मालूमात फराहम की जाती है, उन्हें असर्टिव, डेक्लरेटिव, पॉजिटिव या अफर्मेटिव कहते हैं। एक्सरसाइज सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की तरफ और आइडेंटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की जो उर्दू में आइडेंटिफिकेशन होगी, जिन जुमलों के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं या हो या हों का लफ्ज आएगा, ठीक है या हैं की बजाय अगर हो या हों आएगा तो तब भी जो है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के सेंटेंसेस होंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, ठीक है। अब हम स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का स्ट्रक्चर है जी सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में हमारे पास कौन है जी, इज, एम, आर। इज का हेल्पिंग वर्ब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही, शी, इट के लिए यूज करेंगे। इज का हेल्पिंग वर्ब थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन ही, शी, इट के लिए यूज किया जाएगा। एम का हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई के लिए यूज किया जाएगा। एम का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन आई के लिए यूज किया जाएगा। और आर सारे प्लूरल प्रोनाउंस के लिए यूज किया जाएगा। फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन वी, सेकेंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन यू और थर्ड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन दे के लिए हम आर यूज करेंगे। और कॉन्टिन्यूस में हम फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल को। प्रेजेंट पार्टिसिपल या फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब किसे कहा जाता है कि जब हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आई एन जी लगाते हैं और आखिर में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट इसे कहते हैं जिस पर काम किया जाए। अब यहाँ पर हम आइडेंटिफिकेशन को भी एक दफ़ा देख लेते हैं कि सेंटेंसेस के आखिर में हमारे पास क्या आ रहा है, बूंदा बांदी हो रही है। सेंटेंस के आखिर में क्या आ रहा है, रही है। कुआं चल रहा है, रहा है। फिर इसी तरह मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ, रहा हूँ। अगेन आपके पास जो है, मैंने आपको कहा था कि हो या हों का लफ्ज़ भी अगर जुमले के आखिर में आ रहा है तो वो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का होगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा जुमला, हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं। तो ये सारी की सारी जितने वर्ड्स आपको बताए गए कि ये अगर किसी जुमले के आखिर में आएंगे तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस होगा। अब हम एक्सरसाइज वन की तरफ चलते हैं। पहला सेंटेंस हमारे पास है बूंदा बांदी हो रही है। बूंदा बांदी के लिए वर्ड जो यूज किया जाता है वो ड्रिजल है, ठीक है। और बूंदा बांदी हो, ठीक है, जालाबारी हो, बारिश हो, बर्फबारी हो, इन सब के लिए जो प्रोनाउन यूज किया जाता है वो होता है इट। बूंदा बांदी हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग। कुआं चल रहा है, पर्शियन व्हील इज वर्किंग, पर्शियन व्हील इज वर्किंग, पर्शियन व्हील इज वर्किंग। मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ, आई एम टेकिंग रेस्ट नाउ। नाउ आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम है, आई एम टेकिंग रेस्ट नाउ। चूल्हे से धुआं उठ रहा है, द स्मोक इज राइजिंग फ्रॉम द हर्थ, द स्मोक इज राइजिंग फ्रॉम द हर्थ। हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, We are collecting ancient coins. We are collecting ancient coins. मुझे चक्कर आ रहे हैं, I am feeling dizzy. I am feeling dizzy. आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं, You are saying goodbye to your friend. You are saying goodbye to your friend. Sentence number 8. वो दरिया में गोता लगा रहा है, He is diving into the river. He is diving into the river. बच्चे सख्त शोर मचा रहे हैं, Children are making much noise. Children are making much noise. अकबर गंदम काट रहा है, Akbar is harvesting wheat. Akbar is harvesting wheat. इसमें अकबर आपका सब्जेक्ट है और वीट आपकी ऑब्जेक्ट है और काटना आपका वर्ब। औरत दूध उबाल रही है, औरत सब्जेक्ट, उबालना एक्शन और दूध आपकी ऑब्जेक्ट, यानी ये ट्रांजिटिव वर्ब है उबालना।
वेमेन इज बॉइलिंग मिल्क, द वेमेन इज बॉइलिंग मिल्क। तलबा स्कूल को सजा रहे हैं। तलबा आपका सब्जेक्ट है, स्कूल आपकी ऑब्जेक्ट है और सजाना आपका वर्ब है। स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल, स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल। वो मुझे मिलने आ रहा है, वो मुझे मिलने आ रहा है। ही इज़ कमिंग टू मीट मी, ही इज़ कमिंग टू मीट मी। हुकूमत नए स्कूल खोल रही है। हुकूमत आपका सब्जेक्ट है, खोलना आपका वर्ब है, नया नए एडजेक्टिव है और स्कूल आपकी ऑब्जेक्ट है। गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग न्यू स्कूल्स, गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग न्यू स्कूल्स। पाकिस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। ठीक है, इसमें पाकिस्तान सब्जेक्ट है, करना जो है वो आपके पास वर्ब है और तरक्की आपकी ऑब्जेक्ट है। और किस तरीके से किया जा रहा है, दिन दुगनी रात चुगनी, यहाँ पर आप वर्ब लगाएंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स, पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।